वेलकम बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th में हिस्ट्री में चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम जो भी बनाएंगे ना, उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहेंगे। ठीक है, तो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे जो बन गया बिल्डिंग, कमरा, रूम, दरवाज़ा, सब ठीक है, उसके ऊपर अब हम जितनी बिल्डिंग्स बनाएंगे, ठीक है, जितने फ्लोर्स बनाएंगे, वो हमारा सुपर स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है, और अभी तो सुपर स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, अभी आराम से आप कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बना लेते हैं क्योंकि क्रेन है और बहुत सारी मशीनें हैं। पर मेडिवल टाइम में क्रेन्स और ऐसी मशीनें हुआ नहीं करती थी कि जो उतनी ऊंचाई पे पत्थरों को ले जाए, इतने भारी भारी, तो उस टाइम पे ये बहुत डिफिकल्ट काम था। उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरती से जो स्किल्ड वर्कर्स थे, उन्होंने जो है इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो है क्रेविंग्स और सॉरी कार्विंग्स करके जो है पूरे आर्किटेक्चर को बनाया है। ठीक है, तो 7th और 10th सेंचुरी जब चल रही थी, इसके बीच में जो है जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे, जो बेसिकली बन डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग्स को, ठीक है, उन्होंने बिल्डिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा रूम्स, डोर्स और विंडोज़ ऐड करने शुरू कर दिए। ठीक है, लेकिन अभी भी जो रूफ्स, डोर्स और विंडोज़ बनते थे, वो दो वर्टिकल कॉलम, मतलब वर्टिकल कॉलम मतलब दो वर्टिकल पिलोर्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम को रख करके बनते थे। ठीक है, ऐसे स्टाइल को कहते थे ट्रेबिएट स्टाइल या फिर कॉर्बेल्ड स्टाइल। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ट्रेबिएट स्टाइल क्या होती है, कॉर्बेट स्टाइल क्या होती है, आपके बुक में फिगर बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए। ट्रेबिएट स्टाइल वो होती है जब वर्टिकल पिलर्स पे, है ना, एकदम सीधे खड़े जो पिलर्स होते हैं उनके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम रख करके अब आप रूफ बनाइए। ठीक है, यहाँ देखिए, इस पे बीम रख के इसने रूफ बना दिया, रूफ बनाइए या बिल्डिंग बनाइए। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो ट्रेबिएट स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमेशा ट्रेबिएट स्ट्रक्चर में वर्टिकल कॉलम्स पे हम हॉरिजॉन्टल बीम रख के रूम्स, रूफ्स या फिर रूम्स कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही जब 12th सेंचुरी के चल रही थी, उस टाइम पे जो है एक जो बहुत नोटिसेबल टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट उस टाइम पे हुआ था, वो ये था आर्क्यूएटेड आर्किटेक्चर का था। इसमें क्या होता था कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल हमारे दिख रहे हैं ना, सीधे खंबे टाइप के पिलर्स, इनके ऊपर डोम शेप का ऐसे आर्क बनता था। ठीक है, आर्क आप लोग जानते हैं, जो आप लोग अपने कंपास से आर्क बनाते हैं सेमी सर्कल टाइप का, तो वैसा उसको डोम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डोम शेप का आर्क बनता था। ठीक है, और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है ऐसे वेज शेप के ब्लॉक्स यानी पत्थर ऐसे लगाए जाते थे। ठीक है, उसमें से जो है जो बीच वाला पत्थर होता था उसे हम की स्टोन कहते थे, क्योंकि ये की स्टोन जो है ये पूरे सुपर स्ट्रक्चर का जो वेट है वो आर्क के बेस तक ट्रांसफर करता था। ठीक है, इसलिए इसका ये बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये था आर्क्यूएटेड आर्किटेक्चर जो 12th सेंचुरी में काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलता है। काफ़ी हद तक आप लोग कहीं मस्जिदों में जाएंगे तो आपको वहाँ पर इस तरह से डोम शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, और अगर आप उसके जो ब्लॉक्स हैं उसको काउंट करेंगे ना ये, तो आपको मालूम चलेगा कि ठीक बीचों बीच एक जो ब्लॉक है उसे की स्टोन कहते हैं। ठीक है, जो अगल बगल के सारे ब्लॉक्स के सुपर स्ट्रक्चर के वेट को ट्रांसफर करता है इस आर्क के बेस पर। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि 8th से 10th सेंचुरी के बीच में ट्रेबिएट स्ट्रक्चर जो है काफ़ी फेमस हुआ। ठीक है, किसी भी चीज़ को, रूम को या रूफ को बनाने के लिए सीधे जो है बस वर्टिकल कॉलम्स को डाल करके उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल बीम लगाई जाती थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब 10th सेंचुरी बीत गई तो 13th सेंचुरी या 8th सेंचुरी के बिटवीन में क्या हुआ कि ट्रेबिएट स्टाइल अब इस्तेमाल होने लगी टेम्पल्स, मॉस्क, टूम्स को बनाने में। ठीक है, या फिर उन बिल्डिंग्स को बनाने में जो वो कुएं जिसमें बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होती हैं ना, लार्ज स्टेप वेल्स होते हैं, उसको बनाने में इन ट्रेबिएट स्टाइल्स के ट्रेबिएट स्टाइल का यूज़ होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये जो आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, इसमें जो है ये पिक्चर है आपके कुवत अल इस्लाम मॉस्क की, जो दिल्ली में है, ठीक है। ये 12th सेंचुरी, लेट 12th सेंचुरी में बना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ ये ना यही है आपका ट्रेबिएट स्ट्रक्चर की हेल्प से बनाया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पेज पे, और वो है टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। जब 11th सेंचुरी की बिगनिंग थी, उस टाइम पे टेम्पल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते थे, कैसे बनाते थे, ठीक है। तो एक जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, वो एक बहुत ही फेमस मंदिर का एग्जाम्पल है, वो है द कंदारिया महादेव टेम्पल, ठीक है। ये एक ऐसा मंदिर है जिस जो भगवान शिव के लिए बनाया गया था, उनके ऊपर डेडिकेटेड है, और इसको 999 में धंगदेव नाम के राजा ने बनाया था, जो कि चंदेल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है। और आपके बुक में एक और फिगर दी हुई है जिसमें इस पूरे टेम्पल का जो है वो प्लान है, ठीक है, कि कहाँ पे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेन एंट्रेंस है जहाँ पे हॉल है, इस हॉल में जो है यहाँ पे हॉल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है गर्भगृह है। हॉल क्या होता है, उस टाइम पे हॉल को महामंडप कहते थे, ठीक है। इस महामंडप में जो है जो डांस होता था वो परफॉर्म होता था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेन श्राइन है जहाँ पर पूजा के, जिसकी पूजा होती थी उसकी मूर्ति रखी रहती थी, जिसकी जिसका ये टेम्पल है उसको उस टाइम पे गर्भगृह कहते थे, ठीक है। और लास्ट में सबसे होता था ये, ठीक है। और यहाँ पर इस गर्भगृह में जो है राजा, उसकी फैमिली और उसके प्रीस्ट आकर के पूजा कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे लास्ट में एक और यहाँ पे बना हुआ है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका पूरा डिटेल्ड प्लान बनाया गया था, ठीक है, इस बिल्डिंग को और पास से देखने के लिए। ये है आपका कंदारिया टेम्पल, ठीक है। ये देखिए प्लान के हिसाब से ये इसकी सीढ़ियां हैं और ये मेन हॉल को जा रही हैं, ठीक है। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से इसकी पूरी नक्काशी की गई है। ये जो ऊपर आप इस तरह से देख रहे हैं, ये इसे शिखर कहते हैं, ठीक है। उस टाइम पे इसे शिखर कहते थे, जो ये ट्रायंगुलर शेप होता था, ठीक है। और ये जो कंदारिया महादेव टेम्पल है, इसका मतलब होता है द ग्रेट गॉड ऑफ द केव, ठीक है। और ये जो हिंदू टेम्पल, उसमें सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है मेडिवल टाइम का, और ये पाया जाता है मध्य प्रदेश के खजुराहो में, ठीक है। ये सबसे बेस्ट टेम्पल है, इसलिए कंसिडर, बेस्ट एग्जाम्पल इसलिए कंसिडर करते हैं इसको टेम्पल का, क्योंकि ये एक ऐसा टेम्पल है जो बहुत अच्छे से प्रिजर्व्ड है और ये मेडिवल टाइम के अच्छे आर्किटेक्चर को डिनोट करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टेम्पल है राजा राजेश्वरा टेम्पल, जो तंजौर में है, ठीक है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि अपने मेडिवल टाइम के जितने भी टेम्पल्स बने थे उसमें से सबसे लंबा शिखर जो है इसी टेम्पल का था, ये देखिए सबसे लंबा शिखर, ठीक है। और इस लंबे शिखर को बनाना बहुत आसान नहीं था क्योंकि उस टाइम पे कोई क्रेन्स नहीं थी, और 90-90 टन के पत्थरों को, इतने भारी पत्थरों को ऊपर ले जाना, ये वो भी मैनुअली आदमियों के द्वारा, वो बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि पत्थर 90 टन काफी ज्यादा होते हैं। तो क्या हुआ कि जो आर्किटेक्ट्स, उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो है एक, जैसे आप इंक्लाइंड रास्ता बना दिया, ठीक है, ऐसे रास्ता इंक्लाइन करके, और ये रास्ता जो है 4 किलोमीटर पहले से ही शुरू होता था, ताकि जो है जब चढ़ाई स्टार्ट हो, है ना, तो क्या कहते हैं, ज्यादा स्टीप ना हो, ओके। तो जब ये इंक्लाइंड रास्ता इन्होंने बनाया पूरा टॉप ऑफ द टेम्पल तक, तो बोल्डर्स की हेल्प से जो है, और बोल्डर्स प्लेस किया रोलर्स पे, और इसकी हेल्प से जो है वो पूरे टॉप तक जो है इस सारे पत्थरों को पहुंचाते थे, ठीक है। और जब फाइनली ये शिखर बन के तैयार हो गया, तो फिर इस इंक्लाइंड रास्ते को जिन्होंने हटा दिया, डिसमेंटल कर दिया, ठीक है। लेकिन इस टेम्पल का बनना इतना
ज्यादा एक अच्छा और रिच एक्सपीरियंस था, और इतने लंबे समय तक चला ये टेम्पल कंस्ट्रक्शन। और इसके बाद जो इसके आसपास के इलाके के लोग थे वो अभी भी इसके कंस्ट्रक्शन को जो बताते हैं चला आ रहा है उसको रिमेम्बर करते हैं, ठीक है। और इवन एक विलेज भी है इस टेम्पल के पास में जिसका नाम है चारुपल्लम, जिसको विलेज ऑफ द इंक्लाइन कहते हैं, इसी के इंक्लिनेशन के नाम पर पड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से उस टाइम पे कोई भी सुविधा या क्रेन या कुछ न होने के बावजूद भी कितने उम्दा तरीके से जो है कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जाता था, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12th सेंचुरी में, मतलब मेडिवल टाइम में जो है जो दो बहुत इम्पोर्टेंट चेंज हुए थे, उसमें से पहला मैंने आपको बता दिया है कि आर्क्यूवेट का आर्किटेक्चर का जो है वो यूज होना, ठीक है। इसमें क्या होता था कि इसमें जो है जो सुपर स्ट्रक्चर होते थे उनके वेट को आर्क्स जो है बहुत आराम से कैरी करते थे, इसलिए जो जो भी हमारा जो ये क्या कहते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कॉलम, वर्टिकल कॉलम था उस पर जब हमारे सुपर स्ट्रक्चर को बनाना होता था तो हमें जो है उस पर एक आर्क शेप बनाते थे, और उसके ऊपर जो ब्लॉक वेजेस रखते थे, ब्लॉक रखते थे, उसमें जो बीच का पत्थर था उसे की स्टोन कहते थे, जो कि पूरे वेट को डिस्ट्रीब्यूट करता था सुपर स्ट्रक्चर के, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अलाई दरवाजा जो दिल्ली में है, ठीक है। और वो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट नोटिसेबल डेवलपमेंट था ये था कि अब 12th सेंचुरी में लाइम स्टोन सीमेंट का यूज होना शुरू हो गया था। लाइम स्टोन सीमेंट एक बहुत हाई क्वालिटी सीमेंट था, अगर इसको हम पत्थरों के चिप्स के साथ मिक्स करते थे तो इतना कड़ा हो जाता था जैसे कॉन्क्रीट, ठीक है। और इसलिए कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े स्ट्रक्चर से कंस्ट्रक्शन को ये इसने बहुत ईजी बनाया और बहुत फास्टर इससे जो है कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बिल्डिंग्स टेम्पल्स, बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क एंड टैंक। थैंक यू।